तो अब हम लोग निकल गए हैं पटनी टॉप के लिए और काफ़ी देर से निकले हुए हैं, तो हम लोगों ने प्राइवेट कैब कर ली है और उसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। तो पटनी टॉप जाने के बाद हम लोग जाएंगे पहलगाम, और पहलगाम जाने के बाद जाएंगे हम लोग श्रीनगर जाएंगे। सो यस, अब मैं आपको बाकी जो बाहर के व्यूज़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यू आ रहा है, तो वो दिखाती चलूँगी। तो हम लोगों ने कटरा जम्मू से पूरा कश्मीर घूमने के लिए कैब बुक कर ली थी फॉर अराउंड, हम लोग 8 डेज़ के ट्रिप पे थे, तो हमारे पूरे 8 डेज़ हमारे साथ ये कैब थी जब तक वो हमको एयरपोर्ट ड्रॉप नहीं कर देंगे तब तक। तो इसका जो कॉस्ट है वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ इतने दिन का कितना रहा। हम लोगों ने 7 सीटर बुक करी थी, ऑल दो हम लोगों का 5 सीटर में भी काम हो जाता, बट ताकि हम रिलैक्स्ड होकर के जाएँ लेटते हुए आराम से फैल के बैठे, तो हमने 7 सीटर करा था। रास्ते में हम लोग एक ही रेस्टोरेंट में रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो कॉस्टिंग काफ़ी अच्छा था, हमने पराठा ऑर्डर किया था, बट इसको हमारे तरफ में कुलचा बोलते हैं, मतलब आलू पराठे की जगह ये आया था। तो अंदर इसमें आलू की स्टफिंग थी बट बहुत ही कम स्टफिंग थी, तो मुझे तो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा, मतलब ये था कि सिर्फ पेट भरने के लिए मुझे खाना था। तो मतलब मुझे थोड़े से खाने के इश्यूज आ रहे थे, मुझे क्या जो जो वेजिटेरियंस है उनको खाने का थोड़ा थोड़ा इशू आ रहा था, और बहुत टेस्टी भी नहीं था। सिर्फ ये था कि कुछ नई से तो बेटर है, वैसा हमने यहाँ पे फटाफट ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग निकल गए। नहीं मैं हो गया शराबी वाह, तो हो गया शराबी, तो हो गया शराबी। तो हम लोग ये जो कटरा से कश्मीर जा रहे हैं ना, उसका रास्ता बहुत प्यारा था, बहुत ही सीनिक था। हमें हमको ना एक मंदिर दिखा था, तो ये जो मंदिर है इसकी एक स्पेशल चीज़ ये है कि जब यहाँ पे खुदाई चल रही थी, रोड्स बन रही हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें अंदर से ये शिव जी का मंदिर निकला था। इनको गुप्त अमरनाथ जी बोलते हैं, तो बड़ा ही आप देखो एकदम अंदर अंदर इतना अच्छा लग रहा था, और इतना आश्चर्य थी मैं, इतनी ज़्यादा शौक थी कि मतलब आप सोचो अंदर पूरी शिव जी और गणपति जी पूरा उनका बकायदा बैठे हुए हैं वो लोग वहाँ पर। तो इट वॉज़ वेरी, तो वहाँ पर मैंने पंडित जी से परमिशन ले ली थी कि क्या मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। वो देखिए नीचे छोटी सी पिंडी है एंड बहुत, और वहाँ पर हल्की सी स्नो भी है, तो आप सोचो इट वॉज़ वेरी, और यहाँ पर साइड में ना गणपति जी भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। तो हमने यहाँ के दर्शन करे, प्रसाद लिया और फिर हम लोग निकल गए थे। हमारे जो ड्राइवर थे ना वो बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे से हमको सब बताते हुए जा रहे थे। वो एक्चुअली कश्मीरी पंडित ही रह चुके हैं, बट नाउ ऑब्वियसली विद ऑब्वियस रीजंस वो अब जम्मू में सेटल्ड हैं, और वो आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं, तो बहुत अच्छे थे। और हम लोगों ने जो जितने दिन के लिए हमने कैब बुक किया था ना, तो उसमें हमने टोटल दिए थे 22,000। अगर हम 5 सीटर करते तो हमारी 15,000 में कैब हो जाती, बट हम लोगों को थोड़ा सबको ये था कि रिलैक्स्ड मोड में जाना है आराम से, और सामान भी हमारा अच्छे से आ जाए, क्योंकि बारिश अगर होती है ऊपर भी रखते तो खराब ना हो जाता, इसलिए हम लोगों ने ये वाली कैब करी थी जो कि हमको काफी अच्छी बजट में पड़ गई थी। एंड में मैं आपको बताऊंगी पर पर्सन ये ट्रिप कितनी की पड़ी है ना, तो आप लोग सब शॉक्ड हो जाओगे, इतना बजट हमारा सही था इसमें। और रास्ते में हमको छोटी थोड़ी पहाड़ों पर स्नो दिख रही थी और वो देख के बिल्कुल पागल हो रहे थे हम लोग। तो अब हम लोग निकल रहे हैं पटनी टॉप के लिए, एंड उससे बीच बीच में जो जो भी हमको सीनिक व्यूज़ दिख रहे थे वो हम लोग पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए वहाँ पर रुक भी रहे थे, देख भी रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बीच बीच में, बिकॉज अभी हम जिस वेदर में गए ना, ठंड का वेदर ही था, मतलब मार्च में गए हम लोग, फेब्रवरी एंड एंड मार्च स्टार्टिंग में, तो हमको पता नहीं था कि स्नोफॉल हमको दिखेगी कि नहीं दिखेगी, तो हम लोग जस्ट होप कर रहे थे कि हमको स्नोफॉल दिख जाए, बिकॉज एक्चुअली मैं स्नो देखने के लिए गई थी। तो अभी हम लोग रुके हैं ऐसे ही एक स्टॉप पे एंड फोटो लेने के लिए, सिर्फ फोटो स्टॉप था ये। तो ये हम लोग पटनी टॉप पहुंच गए हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब सिर्फ बहुत सारे पेड़ हैं, और मतलब ऐसे नॉर्मल जगह है, बहुत सुंदर है डेफिनेटली, बट मतलब ऐसे बहुत रुकने की जगह नहीं लगी मुझे ये। तो हम लोग हार्डली आधा घंटा यहाँ पे रुके थे और फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। ये जगह आपको जानी पहचानी लग रही होगी, बजरंगी भाईजान मूवी में जब वो मुन्नी को छोड़ने के लिए पाकिस्तान जा रहा होता है सलमान खान, तो यही जगह पर शूटिंग हो रही होती है, मतलब ऐसा हमको बताया गया स्टॉप। तो यहाँ के ना ट्रीज़ बड़े सुंदर सुंदर लग रहे थे, मतलब देखने में, देखिए ये जो बस वगैरह रुकती है ना, जब वो मुन्नी पुलिस आ जाती है चेक वेक करते हैं, तो वो यही कुछ स्टॉप था। तो काफ़ी सारी शूटिंग आई थिंक बजरंगी भाईजान की कश्मीर में ही हुई है। तो अब हम लोगों ने सीट एक्सचेंज कर ली है, सब चेंज कर करके बैठ रहे थे, ये हमारी ट्रिप का क्रैंकी बच्चा था, ये पूरी ट्रिप में अपना कंप्लेन बॉक्स लेके ही घूम रहा था। और पटनी टॉप से अब हम लोग निकल गए हैं वापस, और मैंने बताया ना पटनी टॉप में हम रुके ही नहीं ज़्यादा, बिकॉज़ पूरे पटनी टॉप में सिर्फ वो ट्रीज़ वगैरह ही थे, और
क्योंकि हम लोगों को अंकल बता रहे थे कि कोई ऐसा रास्ता आता है जो थोड़ा सा खतरनाक है, तो वहाँ अंधेरा होने से पहले ही हम लोग उसको क्रॉस कर लें। तो यस, और रास्ते में छोटे छोटे गांव आ रहे थे जो कि बड़े सुंदर थे। मतलब इन लोगों के घर इतने ब्यूटीफुल हैं कि मैं क्या बताऊँ, देख ऐसा लगता है बस देखते ही जाओ। बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं, बाहर से इतने सुंदर है तो आई डोंट नो अंदर से कितने गजब होंगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग कहाँ है ये सो रही थी और सब सो रहे थे, मैं आगे बैठी थी, बट मुझे ये पता नहीं है कि हम आए कहाँ है। एक तो सब एक जैसा लग रहा है, कटरा के बाद से जब से ये चालू हुआ है तब से हमको सब एक जैसा लग रहा है। ये है चिनाब नदी डैम, है प्याज के साथ अनारदाने की फेमस चटनी। तो ये जो राजमा चावल विद चटनी आए ना, ये अब तक के मेरे बेस्ट राजमा खाए मैंने, बेस्ट मतलब पंजाब से भी बेटर है ना। आपको कैसे लगे? इतनी बढ़िया घी, शुद्ध घी में चावल, और बहुत अमेजिंग, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। तो ये कालिका वैष्णव भोजनालय था, बहुत ही टेस्टी, मतलब मज़ा आ गया था, इतने बढ़िया राजमा चावल थे और स्पेशली वो चटनी। तो ये जो नदी है ये चिनाब नदी है, सामने पहाड़ हैं, बीच में घर बने हुए हैं, ऐसे सीनरी टाइप का व्यू लग रहा है ना, रियलिस्टिक व्यू नहीं लग रहा मुझे, मतलब पिक्चर्स में देखे हैं जो अपन ने व्यू वैसा है ये। तो अब हम लोग निकल गए हैं और बीच में ना ऐसी जगह आती है जहाँ पर लैंडस्लाइड कंटिन्यूस होता रहता है, तो हमारे जो ड्राइवर अंकल थे वो हमको यही बोल रहे थे कि उस जगह से हमको जल्दी से जल्दी निकलना है। तो जैसे जैसे हम लोग कश्मीर में एंटर करते जा रहे हैं, मतलब अभी हम कश्मीर में एंटर नहीं करे हैं, एक टनल आएगी, बहुत बड़ी टनल आएगी, 19 या 29 किलोमीटर ऐसे कुछ है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी टनल है। इंडिया की है या एशिया की मुझे ये मुझे याद नहीं है, विक्की ने मुझे बताया था ये टनल है वो। तो अमेजिंग टनल थी और बहुत बड़ी टनल थी, मतलब लिटरली बहुत बड़ी टनल थी। एंड ये हम पहुँच गए हैं कश्मीर। सो वी आर इन कश्मीर। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने एक तो ये स्टॉल लिया है यहीं पे जो सेल कर रहे हैं उन लोगों से। तो ये पूरा हैंड वूवन स्टॉल था और मैंने 400 रुपीज़ का परचेज़ किया था, स्टार्टिंग में ही कर लिया था, इसके अलावा मैंने कुछ और परचेज़ नहीं किया कश्मीर से। एंड ये वो जो मेरे साथ वाली अश्विनी वो शॉल्स वगैरह देख रही थी वहाँ पर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं, पहलगाम पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने होटल बुक कर लिया है। तो हमने ऑन द स्पॉट होटल बुक किया है, पहले से रिसर्च कर लिया था बट ऑन द स्पॉट किया है, प्री बुकिंग नहीं करी है। हम रुके हैं सेवन सॉरी फ्रेश वाटर रिजॉर्ट में, एंड ये काफ़ी अच्छा है, मतलब व्यू मैं आपको दिखाती हूँ होटल का, वो करती हूँ, हालांकि मैंने सामान बहुत फैला दिया है बट स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ दिस होटल, ये वॉशरूम है और ये यहाँ पर एक ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है, नाउ एक बेड है, सोफ़ा है, एक ये वाला कन्वर्टेबल है मतलब, बट हमने अलग अलग रूम्स लिए, हमने इस बार चारों ने एक साथ नहीं लिए। एंड सामने जो आता है वो व्यू आता है, सो रिवर व्यू आता है, वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइज, सो अभी जस्ट सोकर के उठे, 7 बजे उठ गए हम लोग आज सो के, बिकॉज एक्साइटमेंट में व्यू देखना था होटल रूम से। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, नाउ लुक एट दिस, वहाँ आप पीछे देखोगे इसकी आवाज़ सुनिए। तो ये हम लोगों का होटल है, काफ़ी प्यारा सा इसका इंटीरियर है। तो चलिए ब्रेकफास्ट खाने के लिए चलते हैं और बाहर से आपको होटल का वो भी व्यू दिखाती हूँ, जो पास से रिवर बहती है ना उसकी आवाज़ सुनाती हूँ, बड़ा ही अच्छा लगता है। इस होटल की ना रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, ये हमको पर डे 7,000 के हिसाब से पड़ा था। तो बट खाना इसका उतना मुझे तो नहीं सही लगा, और मुझे छोड़िए किसी को भी हमारे साथ वालों को, मतलब इतना जमा नहीं, सिर्फ ये था कि हम लोग पेट भरने के लिए खा रहे थे। एंड फिर हम लोग जब बाहर निकले ना, तो यहाँ पे जो ग्रास है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ग्रास में फ्लावर्स आते हुए देखे, वो भी इतने सुंदर,
इतने सुंदर फ्लावर्स आते हैं ग्रास के ऊपर, इमेजिन। और यहाँ पर सारे ना रोजेज के प्लांट लगे हुए हैं, तो ये कितना सुंदर लगता होगा जब इसमें रोज आ जाएंगे। तो काफी सीनिक ब्यूटी थी यहाँ की। तो आज मैंने ये विक्की का वो पहन लिया, ऑल्दो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने ऐसे ही कलर्स के लिए डाल दिया, बिकॉज मैं सब कुछ ब्लैक सब कुछ क्या, मैं सिर्फ एक जैकेट लेकर के आई हूँ। अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं कोई एक और लेके आना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। और ये विक्की रेडी हो गया है। आज हम लोगों ने हमारे बूट्स पहने हैं, जो हमारे स्नो बूट्स हैं जो हमने लिए थे स्पेशली, बिकॉज आज हम स्नो में जाने वाले हैं। और यस, रूम ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है बिकॉज हमने पैक कर लिया है। टिंग पॉइंट पर है, यहाँ से अब हम जाएंगे पहलगाम और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं फिर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए नीचे, चेकआउट कर रहे हैं। हमारा जो टाइमिंग है 11 o'clock का टाइमिंग था, तो वही चेकआउट कर रहे हैं। अभी हमारा एक और कपल जो फ्रेंड्स है वो आए नहीं है, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। जब तक हमने पीछे, हम लोग पीछे पानी जो रिवर निकल रही है ना हमारे यहाँ से, हमने उसमें मस्त फोटोज़ लिए हैं। अमेजिंग है, मतलब इतनी सुंदर जगह है ना ये कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे ही इसको हेवन नहीं बोला जाता है, दर्जा दिया जाता है हेवन का, दैट ग्रेट। और जिसमें से अभी हमने 1/3 भी नहीं देखा है। हमारा जो होटल था ना वो पहलगाम से 7-8 kilometers पहले ही था, तो अब हम मेन पहलगाम जा रहे हैं। वहाँ पर जो भी घूमने वगैरह की जगह है वहाँ का आज हमारा प्लान था। तो ये देखिए कि अभी हम एंटर कर रहे हैं और अब हमको रास्ते में जो है स्नो देखना स्टार्ट हो गई थी। ऐसे थोड़े थोड़े पैचेस दिख रहे थे, ऑल्दो ये काफ़ी मैली स्नो थी। मैली इन द सेंस मीन मिट्टी मिली हुई जो स्नो होती है ना, ब्राउन ब्राउन, ये वैसी थी, एकदम क्लीन नहीं थी। बट जो आप देखो व्यूज़ देखो, सबने अपने अपने मोबाइल कैमराज निकाल लिए थे, बिकॉज इतना सुंदर रास्ता था। वो रास्ता देखने में इतना सुंदर लग रहा था, नदी बह रही है और स्नो है, ट्रीज दिख रहे हैं, बहुत सुंदर था, मतलब बहुत ही ओवरऑल अच्छा था। फिर बीच में हम एक पॉइंट पे रुके थे जहाँ पर हम लोगों ने फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए थे, और आई लव पहलगाम वाला ऐसा कुछ लिखा रहता है वहाँ। मतलब हम पहलगाम पहुँच गए और ये बड़ा क्यूट सा रैबिट मुझे उन्होंने दिया था पिक्चर क्लिक कराने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर रैबिट थे उनके पास, ये टोटल 15 रैबिट्स थे और ये इतने क्यूट थे। बट लेके आने का मन कर रहा था, बट वही है, नहीं लेके आ पाए। और फिर हमने ऐसे चुटर पुटर रास्ते में कुछ कुछ खाया भी वहाँ से, और फिर हम वापस निकल गए पहलगाम के लिए अगेन। और अब ये स्नो दिखती जा रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है स्नो को देखने का। ओके गाइस, हम लोग पहलगाम आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जितसिंग वाली जितनी भी जगह है ना, वहाँ पर सब जगह आपको घोड़े से ही जाना पड़ेगा। और मैं तो भाई घोड़े पे बैठने पे नहीं हूँ, ना वो अश्विनी बैठेगी ना विक्की बैठेगा, हम घोड़े पे बैठने के फेवर में ही नहीं है। तो अब ये सिचुएशन है कि हम लोग अब कहीं हम श्रीनगर निकल रहे हैं डायरेक्टली, बिकॉज हर जगह एट दी एंड हमको स्नो देखना है। तो अगर स्नो हमको वहाँ मिल रही है गुलमर्ग वगैरह में, तो फिर हम पहलगाम से निकल रहे हैं। तो बस ये हो गया अभी क्योंकि हमने उनको ये भी पूछा, हमने कहा हम पैदल जा सकते हैं क्या, तो उन्हें अलाउ नहीं करने का, पेमेंट ले लो वैसा, वो लोग घोड़े से ही भेजेंगे और घोड़े पे तो बैठने का मैं रिस्क नहीं ले सकती भाई, क्योंकि मैंने वैष्णो देवी में अपने आंखों से कम 2 से 3 लोगों को गिरते हुए और हाथ फ्रैक्चर होते हुए देखा है। सो दैट इज़ द थिंग। अब हम लोग पहलगाम से निकल गए हैं, रास्ते में हमको ऐसे कॉपर वेसल्स की काफ़ी सारी शॉप मिली थी, जो इस तरीके के ट्रेडिशनल वेसल बनाते हैं ये लोग, हाथ से बनाते हैं, पूरा हाथ से कार्विंग होती है। बट इसके ऊपर एक और कुछ चीज़ करवानी होती है यूज़ करने से पहले, पता नहीं वो क्या नाम लेते हैं, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ दिमाग से। बट हम लोगों ने कुछ भी लिया नहीं है यहाँ से, मतलब हम देख रहे थे बट फिर फ्लाइट से जाना था तो फालतू वेट वेट ऊपर हो जाता, तो इसलिए मैंने कुछ भी शॉप नहीं किया है। इनफैक्ट मेरे साथ में जो थे उन्होंने भी नहीं किया है। अब हम ये आ गए हैं बजरंगी भाईजान की दरगाह, क्योंकि हमारा जो पूरा दिन था वो पहलगाम के लिए डेडिकेटेड था। अब क्योंकि हम पहलगाम के जो वो स्नो वाली जगह है हम नहीं गए, तो हम आसपास की जगह घूम रहे थे, तो यहाँ पर वो शूटिंग हुई थी जो बजरंगी भाईजान की, वो वाला लोकेशन है ये। बाकी हम अंदर तो नहीं गए, बाहर से ही हम लोग आ गए थे और बस अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। और ये हम आ गए हैं श्रीनगर, होटल पहुंच गए, रात में पहुंचे थे, और ये भी हमने ऑन द स्पॉट अभी जस्ट बुकिंग किया है इस होटल को भी। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं श्रीनगर में और पहलगाम से, हाँ हम डायरेक्ट श्रीनगर आ गए हैं एंड होटल बुक कर लिया है अभी हम लोगों ने ये वाला। और बहुत ठंड है, ऑल्दो आई एम वेयरिंग 4 layers बट स्टिल ठंड बहुत ज़्यादा है। होटल की डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी सारा, यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगी किस होटल में हम कहाँ कब रुक रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये देखिए शॉप है जिसमें हम लोग कल आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है, मेरे पोशाक में पहनने के लिए नेकलेस दिख रहे हैं, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम हेयर अगर अफोर्डेबल होगा तो। सो यस, ये रहे दोनों डील कर रहे हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग काफ़ी देर पहले से सो के उठ गए, 7 o'clock पे यहाँ पे नींद खुल जाती है ऑटोमेटिकली, आई डोंट नो वाई, अच्छे से सोए रात में हालांकि,
तो जिस होटल में हम रुके हुए ना, इसकी एक थोड़ी खतरनाक सी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर पहले, खतरनाक नहीं मतलब मैंने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया है, मैं आपको ना यहाँ के रूम से एक वो दिखाती हूँ, घर दिखाती हूँ। जी देखिए, लुक एट दिस, हाउ प्रिटी ना। सब पे सब घरों में क्योंकि स्नो गिरता होगा ना और बारिश होती रहती है, जैसे आज बारिश हो गई है, तो घर देखिए। एंड सबसे बेस्ट चीज़ वो जो सामने दिख रहा है ना आपको, बर्ड हाउस, सो क्यूट। पर मोस्टली सबके घर इज़ लाइक दैट ओनली, इतने बड़े बड़े हमने घर देखे। यहाँ छोड़िए, हमने पहलगाम में भी लोगों के घर इतने बड़े बड़े, ज़मीनें इतनी इतनी, मतलब तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट परचेज ज़मीनें थोड़ी ना है, मतलब वो तो यू ऑल नो दैट राइट, तो वैसा है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जैसे हम जब ट्रैवल कर रहे थे ना, तो 6 बजता है जैसे थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट होता है, तो शॉप्स यहाँ में बंद हो जाती हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं बिकॉज़ ठंड रहती है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, यहाँ घरों के अंदर लाइट ही नहीं दिखती है। तो मैं जब परसों के दिन आ रही थी ना, मुझे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, मैंने बोला यार इतने बड़े बड़े घर हैं और इतनी सी लाइट किसी के घर में नहीं दिख रही, जैसे हम लोग के कैसे इतनी जेल पर लाइट दिखती है एंड ऑल दैट। फिर जब ना, मतलब फिर हमको हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि लाइट्स यूजुअली लोग कर्टन्स, बहुत थिक कर्टन यूज़ करते हैं कि सेफ्टी पर्पज से आर पार का कुछ दिखता ही नहीं है, ताकि बाहर का कोई ऑब्जर्व ना कर पाए कि अंदर कौन है। तो सब लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए आई थिंक वैसे कर्टन यूज़ करते। तो जब हम इस होटल में आए ना, तो हमने कहीं भी होटल में प्री बुकिंग नहीं करी थी, एक्सेप्ट जो हमारा कटरा वाला होटल है, उसके अलावा यहाँ सब हम ऑन द स्पॉट आए। तो हमने पहले तीन होटल और चेक करे थे और फिर ये देखा, तो ये देखा तो मैं, ये रूम हमारा बाहर से दिखता है, तो मैं विक्की को, मेरे को यही भूतिया होटल में मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, इनके जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर तक इनके बाउंड्री वॉल्स होते हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, बिल्कुल नहीं रुकूंगी। फिर हमारे जस्ट सामने ने एक बस आई जिसमें कम से कम 15 लोग थे, जब वो अंदर गए ना, तब मैं, मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं शायद है इसके अंदर लोग। फिर उसके बाद इन लोगों ने बोला कि तुम लोग आकर के एक बार चेक कर लो, क्योंकि हम दोनों लड़कियों के नखरे ज़्यादा रहते हैं कि इसमें नहीं रुकेंगे यहाँ नहीं रुकेंगे। तो हम लोग अंदर आए तो हमको दिखे काफ़ी सारे लोग। फिर हम इस रूम में आए, जब मैं इस रूम में आई और मैंने इन कर्टन्स को पकड़ के देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाप रे, ये लोग कर्टन्स ही इस तरीके के यूज़ करते हैं, इतने डार्क। हाँ, कर्टन्स के पहले यहाँ पर एक जाली वाले कर्टन भी यूज़ होते हैं, ताकि जैसे सपोज किसी ने पत्थर फेंक दिया या कुछ भी हो गया एक्स वाई जेड फॉर एग्जाम्पल, तो वो डायरेक्टली आपके घर के अंदर अटैक ना करे। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो लोग रहते हैं, सब थोड़ी ना ऐसे होंगे, कितनी नॉर्मल फैमिलीज भी रहती होगी जिनको नॉर्मल लाइफ, कितना डिफिकल्ट है यहाँ पे। तो बस वही है, अभी मैंने रेडी होना स्टार्ट हो गया, अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग। एंड ये मैंने लेयरिंग पहनी हुई है, एक ये, एक दो तीन, इसके ऊपर एक और पहनूंगी और फिर जैकेट पहनूंगी, क्योंकि बारिश होगी तो आज कुछ कह नहीं सकते। और अभी वैसे तो हम फुल प्रिकॉशन से आए थे, बट अगर बारिश हो जाएगी तो हमको वाटरप्रूफ वाला वो लेना ही पड़ेगा, नीचे पहनने वाला लेना पड़ेगा कि ऊपर का भी। आपको मेरी आवाज़ समझ आ गई होगी, मेरी पूरी जो नाक है वो एकदम जाम है, क्योंकि और मेरी सर्दी बस जगह पे आ गई सर्दी वाली, तो बस अब वो तो क्या बोले, सबको ही हो रही है। खैर हमारे साथ वाले जो, उनको भी, उसको भी, जवसी को भी सर्दी हो गई है, क्योंकि वेदर ऐसा है ना, और हवा भी बहुत वैसी चलती है यहाँ पे। तो चलिए मैं फटाक से रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आई एम रेडी और फुल्ली पैक, मैंने सोचा था मस्त बाल वाल खुलूंगी, साइड से बाल निकालूंगी और ऐसी फ़ोटोज़ निकलवाऊंगी, बट जिस लेवल की यार ठंड है ना, मैं कुछ नहीं निकालने वाली हूँ। रुको एक मिनट, मेरा मोबाइल तो रखना, तो मुझे लुक एट दिस प्लांट, माय गॉड, ये इतना सुंदर प्लांट है। आप देखो फ्लावर के शेप में इसकी लीव्स हैं एंड दिस होल प्लांट इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पर अभी विक्की रिसेप्शन पे बात कर रहा था कि शायद से, क्योंकि आज वेदर ऐसा है, तो सोनमर्ग निकल रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर स्नो पड़ी होगी। तो ये डल लेक है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी इसको देख करके एक्साइटेड नहीं हो रही थी मैं, कि मुझे नेक्स्ट आई थिंक थर्ड डे हमको यहाँ पे आना था। तो रास्ते में हम निकल गए, जो कि बड़ा सुंदर सुंदर सीनिक व्यूज़ आ रहा था सोनमर्ग जाने के लिए, एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमको ड्राइवर अंकल ने बता दिया था, उन्होंने पता करके, कि वहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है, तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था बट हो सकता है। नाउ लुक एट दिस व्यू, इतना सुंदर लग रहा था ये। फिर रास्ते में हम लोग यहाँ पर एक ढाबा था, वहाँ पर रुके, सिंध व्यू करके ढाबा था, जिसका खाना बहुत टेस्टी था। ये एक ही ढाबा था जहाँ का खाना सबसे ज़्यादा टेस्टी था, पंजाबी थे वो, एंड बस वहीं हम रुके हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट जैसे ही मैंने एक सिप लिया चाय का, वन ऑफ द बेस्ट चाय जो अब तक मैंने पी है, उसके बाद जो पराठा भी खाया है वो भी काफी अच्छा है, बेस्ट तो नहीं बोलूंगी बट बेटर, जो हम खा रहे थे अभी तक श्रीनगर में उसको बहुत बेटर है कि नहीं कश्मीर में। ये ना पंजाबी ढाबा है, सिंध व्यू पंजाबी ढाबा करके है, अमेजिंग फूड है, अमेजिंग फूड है।
सोनमर्ग एक्चुअली एक दिन पहले ही रास्ता खुला था उसका, एंड हमारे ड्राइवर अंकल ने हमको बता दिया था कि वहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो अच्छे से खा लेना। तो हमने पेल के सब खाया और उसके बाद हम अच्छे से पैक होकर के निकल गए थे, बिकॉज़ बहुत बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम श्योर हो गए थे, क्योंकि बारिश जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ना, तो ये स्नो में कन्वर्ट होती जाएगी, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, स्नो वाला जो प्रॉपर है वो। तो यस, नेक्स्ट वीडियो चेक करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।